यूपी के प्रयागराज की ओर चलते हैं, जहां कौंधियारा किसान केंद्र पर एक भी कुंटल धान की खरीदारी नहीं हुई। हालांकि 1 नवंबर से शुरू हुआ धान क्रय केंद्रों पर आज तक एक भी क्विंटल धान की खरीदारी नहीं हो पाने से क्रय केंद्रों पर नियुक्त क्रय केंद्र प्रभारी किसानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा किसानों की धान की फसल को उचित मूल्य को खरीदने के लिए क्रय क्यों संचालित किया जा रहा है, लेकिन धान के अभी तक कटाई मड़ाई न होने के कारण क्रय केंद्रों पर अभी तक एक भी क्विंटल धान किसानों के द्वारा नहीं बेचा गया है। और क्रय केंद्र प्रभारी सुबह से शाम तक अपने अपने क्रय केंद्रों पर बैठकर किसानों को इंतजार करते नजर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आपके निरौंधा में जो क्रय केंद्र सेंटर खुला हुआ है, हाँ। तो क्या उसमें आप लोगों द्वारा फसलें बेची गई या नहीं धान की? फसलें जब पकेंगी कटेंगी तैयार होंगी तो बेचे जाएंगे। तो क्या अभी धान तैयार नहीं हो पाया है क्या? अभी नहीं। क्या नाम है आपका? श्री सत्यधर ओझा। आप सेंटर पे क्रय केंद्र पे हैं, तो इस समय आपके द्वारा कुल कितनी खरीद की गई है धान की? अभी कुछ खरीदे नहीं आ रही, किसान आए खरीदे। तो क्या अभी धान की फसल तैयार नहीं हो पाई या किसान अभी बिक्री करने के लिए आ रहे हैं? अभी फसल नहीं तैयार है और हमारी सारी औपचारिकताएँ पूरी हैं, शासन द्वारा आदेश भी 1 तारीख से है, लेकिन अब धान आवे तो हम लोग खरीदें। तो इसमें अमूमन इस बार धान का समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? अब 1815 और प्लस 20 रुपये उतराई छुनाई के लिए। शुभ नाम सर आपका? गिरजा शंकर तिवारी।